कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जागृति ने आर्यमन की निगाहों में वो इमोशन भाप लिए हो शायद, जो आर्यमन उसके सामने कभी एक्सप्रेस नहीं करता। इसके अलावा आर्यमन ने सिखाया जागृति को थैंक्स कहने का एक नया तरीका, जिसने किया जागृति को एम्बेरस। वीर और परिधि के बीच पैदा हुई एक ऑकवर्ड सिचुएशन, जिसके बाद वीर ने दिया परिधि के हाथ में उसका फोन। लेकिन क्यों और ऐसा क्या तरीका सिखाया आर्यमन ने जागृति को, जिसने जागृति को किया एम्बेरस? सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन के कान में जागृति की आवाज पड़ी, आर्यमन आप यहां? आर्यमन ने जागृति के हाथ को थामते हुए उसे अपने सामने किया। क्यों, तुम मुझे बेड पर मिस कर रही थी? जागृति ने सक पकाते हुए अपने हाथ को पीछे खींचा और आर्यमन को जवाब दिया, मैं तो आपको थैंक्स बोलना चाहती थी। आर्यमन ने अनजान बनते हुए जागृति से पूछा, किस लिए? जागृति ने प्यार से आर्यमन से आगे कहा, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है उसके लिए। आपने सुयश के साथ जैसे बिहेव किया, मुझे सच में उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन जब आपने वो किया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपको किन शब्दों में थैंक्स कहूं। आर्यमन ने जागृति के हाथ से उसे खींचते हुए उसे अपनी बाहों में समा लिया। जागृति का पूरा भार इस समय रेस्टिंग चेयर पर बैठे आर्यमन के ऊपर आ चुका था। आर्यमन के हाथों की पकड़ जागृति की वेस्ट पर थी और जागृति के दोनों हाथ आर्यमन के कंधों पर थे। चांद की रोशनी काफी थी आर्यमन के लिए जागृति के उस खूबसूरती से तराशे गए चेहरे को निहारने के लिए। आर्यमन ने जागृति के चेहरे को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे थैंक्स बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल लगा है जागृति, लेट मी हेल्प यू। आर्यमन के मुंह से निकलने के बाद ये शब्द जागृति के लिए किसी अलार्म से कम नहीं थे, क्योंकि इसके आगे तो जागृति को उसने संभलने का मौका ही नहीं दिया। आर्यमन ने अगले ही पल जागृति के होंठों को चूम लिया। रात के 3 बजे का समय था और आर्यमन और जागृति के बीच यूं इस तरह से नजदीकियां बढ़ रही थी कि इस पल तो खामोशी भी शोर मचा रही थी। जागृति ने अपनी उंगलियों की पकड़ आर्यमन के कंधों पर कस दी तो आर्यमन ने भी अपने दोनों हाथों की पकड़ जागृति की वेस्ट पर मजबूत कर दी। आर्यमन का दिल चाहता था कि ये पल बस यूं ही रुक जाए और ये जो पल दोनों इस समय जी रहे थे बस यूं ही चलते रहें। आर्यमन के हाथ अब जागृति के नाइट वियर से होते हुए उसकी स्किन से टच होने लगे थे, जब जागृति ने आर्यमन से एक झटके में दूरी बना ली। जागृति वहां से बिना मुड़े सीधे वापस बेड पर आ चुकी थी। आर्यमन की बार बार की जाने वाली इन कोशिशों से अब जागृति के लिए भी संभलना मुश्किल हो रहा था। जागृति के लिए आर्यमन से दूर रहना तब तक आसान था जब तक आर्यमन का बिहेवियर उसके साथ रूट था। अब आर्यमन के बदलते बिहेवियर के सामने तो जागृति के लिए भी अपने आप को काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आर्यमन भी अब रेस्टिंग चेयर से उठकर बेड के नजदीक आ चुका था। आर्यमन ने अपनी तरफ पीट करके सो रही जागृति के कान में आहिस्ता से कहा, ये थैंक्स बोलने के मौके अब तुम्हें बार बार मिलने वाले हैं जागृति, बेटर होगा कि अब तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो। जागृति ने आर्यमन की इस बात पर चुप्पी ओढ़ ली थी, उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। आर्यमन अब सोने के लिए सुकून से जागृति की साइड में लेट चुका था। कुछ ही समय में आर्यमन को नींद आ चुकी थी। सुबह के समय जागृति की आर्यमन से पहले ही आंख खुल चुकी थी। आर्यमन सोया था जब जागृति की नजर आर्यमन के हैंडसम चेहरे पर पड़ी। दोनों के बीच कम ही दूरी थी जिसे तय करते हुए जागृति आर्यमन के नजदीक आई। जागृति ने आर्यमन के नजदीक आते हुए उसके माथे पर बिखरे हुए उसके बालों को अपनी उंगली से नजाकत से संवारते हुए कहा, कल रात जो मैं आपसे बोलना चाहती थी बोली नहीं पाई, थैंक्स के साथ साथ सॉरी भी बोलना था मुझे आपको, क्योंकि जब आपने मेरी मम्मा से बात की थी तब आपकी आंखों में छिपे इन इमोशंस को मैं समझ चुकी थी, लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। रात देर से सोने की वजह से आर्यमन इस समय भी सुकून से सोया हुआ था। यही कारण था कि जागृति आर्यमन के सामने अपने मन की बात रख पा रही थी। जागृति की नजरें सुकून से सोते हुए आर्यमन के चेहरे से हटी नहीं रही थी और उसकी उंगलियां लगातार आर्यमन के उस हैंडसम से चेहरे को छू रही थी। इधर वीर के दिमाग में आर्यमन की कल रात की कही बात घूम रही थी। आर्यमन ने उसे कहा था कि उसे परिधि की मजबूरी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो ये बात अपने भाई के मुंह से सुनना उसके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि जितना वो अपने भाई को जानता था वो कभी भी धोखे और धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करता था। उनकी डिक्शनरी में धोखेबाज के लिए सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। लेकिन परिधि के केस में खुद आर्यमन उसे उसकी मजबूरी को समझने की सलाह दे रहा था। वीर ने सोच लिया था कि वो परिधि की इस मजबूरी को जानने की कोशिश जरूर करेगा।
आज का हॉलिडे वो परिधि के साथ उस विला पर ही बिताने वाला था। इसके अलावा आर्यमन के ऊपर हमला करने वाला वो शख्स भी उसी घर में वीर की कैद में था। वीर जल्दी ही रेडी होकर वहां से निकल चुका था। वीर ने रास्ते से ही सुमित्रा को कॉल किया। सुमित्रा ने फोन उठाया और जवाब दिया। जी सर। आर्यवीर ने परिधि के लिए फिक्रमंद होते हुए सुमित्रा से पूछा, वो कैसी है, शोर तो नहीं मचाया उसने? सुमित्रा ने बुझी बुझी आवाज में वीर को जवाब दिया, नहीं बस एक ही रट लगाई हुई थी उन्होंने, अपनी माँ की खैरियत पूछनी है, डॉक्टर से बात करनी है। बोल रहे थे कि उनके फोन में डॉक्टर का नंबर है, तो वो बस उन्हें एक बार कॉल करना चाहती है। वीर ने सुमित्रा जी को जवाब दिया, ओके मैं आता हूँ वहां पर, मैं खुद उसकी डॉक्टर से बात करवाता हूँ, आप ब्रेकफास्ट रेडी करवाइए, मैं खुद आकर उसे ब्रेकफास्ट करवाऊंगा। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए सर बोलकर फोन रख दिया। जिस तरह से वीर परिधि के लिए फिक्रमंद था, किसी को भी यही लगना था कि वीर को परिधि से प्यार है। सुमित्रा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुमित्रा जी ने परिधि के रूम का डोर खोला तो वो जाग चुकी थी। परिधि ने सुमित्रा जी से पूछा, क्या मुझे कपड़े मिल जाएंगे, मुझे बात लेना है? सुमित्रा जी ने परिधि को जवाब दिया, बेटा कपड़े तो नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं आपको अपने कपड़े दे सकती हूँ, आप फिलहाल वो पहन लीजिए, जैसे ही वीर सर आएंगे मैं आपके लिए कपड़े अरेंज करने के लिए उन्हें बोल दूंगी। परिधि ने सुमित्रा जी की बात मानते हुए वहां से अपने कपड़े लाने के लिए कहा। सुमित्रा जी जल्दी ही परिधि के लिए अपनी एक साड़ी लेकर आई थी। परिधि ने उन्हें थैंक्स कहा और अब वो वहां से नहाने के लिए जा चुकी थी। परिधि के पाँव में अभी भी दर्द था और पहली बैंडेज के बाद से उसके पाँव की बैंडेज भी अब नहीं हुई थी। फिलहाल इस बात से अनजान परिधि की वीर वहां आ रहा है वो नहाने के लिए जा चुकी थी। जिस मिजाज में वीर वहां से गया था, परिधि को भरोसा नहीं था कि वो वहां आएगा। परिधि ने वॉशरूम के डोर को हल्के से बंद कर दिया था और उसके कपड़े बाहर बेड पर रखे हुए थे। परिधि ने वॉशरूम में जाते हुए अपने चेहरे को मिरर में देखा और खुद से कहा, जब भी अपना चेहरा मिरर में देखती हूँ तो लगता है कि मैं किसी और को देख रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी का विश्वास जीतने के बाद उसे इस तरह से धोखा दूंगी। मैं तो कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये बात बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि आप मुझे सुनना तो दूर मेरी शक्ल देखना तक नहीं चाहोगे। परसों रात आपके साथ बिताए उन पलों में मेरी फीलिंग्स नकली नहीं थी, शायद मुझे आप पसंद हो। ये सब परिधि मिरर में देखकर अपने आप से बोल रही थी। अब तक उसने अपने कपड़ों को उतारते हुए फ्लोर पर फेंक दिया था, जिसके बाद वो शार के नीचे जाकर खड़ी हो चुकी थी। शार का ठंडा पानी सर पर चालू होते ही परिधि की पलकें भी भीग चुकी थी। उसे अपनी सिचुएशन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी जब तक वीर उसे मौका ना दे। परिधि तब तक शार के नीचे खड़ी रही जब तक उसकी आंखों से आंसुओं ने बहना बंद नहीं कर दिया। परिधि की आंखों में गुलाबीपन आ चुका था। उसका चेहरा और उसकी नाक भी अब तक गुलाबी हो चुकी थी। परिधि ने शार को बंद किया और कदम बढ़ाते हुए अपने शरीर को टाल से कवर कर लिया। परिधि के बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे और पानी की बूंदें उसके कंधों पर टपक रही थी। परिधि ने अभी रूम में कदम रखा ही था कि उसके रूम का डोर अचानक से खुल गया और परिधि को संभलने का मौका भी नहीं मिला। सामने वीर खड़ा था। वीर ने सुबह सुबह ये सब देखना एक्सपेक्ट नहीं किया था और परिधि ने वीर का वहां आना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एक्सीडेंटली दोनों का यूं सामना हो चुका था। वीर के कदम वहीं के वहीं थम गए। ऐसा ही कुछ परिधि के साथ भी हुआ था। वो ना अपने कदम आगे ले पा रही थी और ना पीछे, बट टाल में लिपटी परिधि अपने आप में सिमट रही थी, लेकिन चाहकर भी वो अपने आप को उसमें समा नहीं पा रही थी। वो टाल परिधि को उसकी थाई तक ही बामुश्किल कवर कर पा रहा था। परिधि ने अपनी पीठ वीर की तरफ फेर ली। वीर को होश आया और उसने अपने कदम वहां से बाहर की तरफ लेते हुए रूम को एक बार फिर से लॉक कर दिया। परिधि ने अब डोर लॉक होने की आवाज अपने कान में पड़ते के साथ फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से जल्दी वो साड़ी अपने शरीर पर लपेट ली। उस सादी सी कॉटन की साड़ी में भी परिधि का सांचे में ढला शरीर बेहद खूबसूरत लग रहा था। परिधि ने अपनी भीगे हुए बालों को समेटते हुए उनका एक मैसी बन बनाया। परिधि ने डोर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसे अंदर से नॉक करते हुए कहा, आप आ सकते हैं। परिधि के ये शब्द अपने कान में पड़ते ही वीर परिधि के ख्यालों से बाहर आया और उसने पलटते ही परिधि के रूम का डोर खोल दिया। अभी अभी हुए मोमेंट्स के बाद परिधि वीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। परिधि ने इस वक्त भी अपनी पीठ वीर की तरफ ही की हुई थी जब वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए परिधि का फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। परिधि ने जब अपने पीछे से वीर के हाथ को आगे बढ़ाते हुए देखा तो उसने वीर के हाथ से अपने फोन को फौरन थाम लिया। वीर ने परिधि को वार्न करते हुए कहा,
खबरदार अगर तुमने डॉक्टर के अलावा किसी और को कॉल करने की कोशिश भी की तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। परिधि ने कांपते हाथों से उस फोन से अपनी माँ के डॉक्टर का नंबर डायल किया। वीर ने परिधि को आंखें दिखाते हुए कहा, फोन को स्पीकर पर डालो। आगे क्या करेगा वीर परिधि के साथ? क्या परिधि का सच जानने के बाद वीर देगा परिधि को एक मौका? क्या परिधि बनेगी निवान के कस्टडी केस में गवाह? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।